रूस का सबसे खतरनाक एक्सपेरिमेंट। वैज्ञानिकों द्वारा किए गए कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसे हैं जिनके नतीजे बहुत ही खतरनाक साबित हुए। ये तो स्वाभाविक है कि जितना विकसित देश उतना ही विकसित वहाँ की वैज्ञानिक तकनीक। लेकिन जंग के इस माहौल में आज हम रूस के वैज्ञानिकों द्वारा किए गए ऐसे ही खतरनाक एक्सपेरिमेंट के बारे में बताने वाले हैं, जिसमें वैज्ञानिकों ने एक ऐसी दवा बनाई जिससे कुछ ही समय में इंसान दर्द का एहसास करना ही भूल जाएगा। आपको सुनकर थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन रूस के वैज्ञानिकों ने जब इस एक्सपेरिमेंट को कुछ ह्यूमन बॉडी पर किया तो उसके बाद ही बहुत खतरनाक रिजल्ट सामने आए। लेकिन कितने खतरनाक, ये जानने के लिए जुड़े रहें वीडियो के अंत तक हमारे साथ। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल द इलॉजिकल लैंड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बगल बनी बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आप तक। ये बात उस समय की है जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। युद्ध में अपने सैनिकों की हालात को देखकर उस समय रूसी वैज्ञानिकों के दिमाग में एक ऐसी दवा बनाने का विचार आया जिससे किसी भी व्यक्ति के शरीर में दर्द का एहसास ही ना हो। इस दवा को बनाकर वैज्ञानिक अपने रूसी सैनिकों पर आजमाना चाहते थे, जिससे उनके सैनिकों को दर्द का एहसास ना हो और वह लंबे समय तक युद्ध कर सकें। और ये एक्सपेरिमेंट दुनिया का सबसे खतरनाक एक्सपेरिमेंट माना जाता है। सन 1940 में द्वितीय युद्ध के दौरान जब एक देश दूसरे देश को खत्म करने की चाह में लगे हुए थे, तभी रूस के काबिल वैज्ञानिकों ने एक ऐसी दवा को बनाया जिसके फार्मूले के बारे में आज तक किसी को भी नहीं पता, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि असफलता के बाद उस फार्मूले को नष्ट कर दिया गया था। लगभग 1.5 साल मेहनत करने के बाद यह दवा बनाने के बाद रूसी वैज्ञानिक उस दवा को अपने सैनिकों पर टेस्ट करने के पहले किसी और पर टेस्ट करके उसका रिजल्ट देखना चाहते थे, ताकि उनका कोई जवान शहीद ना हो। और इसलिए उन्होंने 5 दुश्मन सैनिकों पर इस दवा का इस्तेमाल करने की योजना बनाई। वैज्ञानिकों ने पकड़े गए उन 5 दुश्मन सैनिकों को इस बात का लालच दिया कि अगर आप 30 दिनों तक लगातार जागते रहे तो हम आपको जिंदा छोड़ देंगे। कोई भी कैदी आज़ाद होने के लिए कुछ भी करता है, और इसी कारण एक कैदी इस एक्सपेरिमेंट के लिए मान गए। योजना के हिसाब से उन 5 कैदियों को एक कमरे में बंद कर दिया गया और उन पर नज़र रखने के लिए एक वन वे मिरर लगा दिया गया था, क्योंकि उस समय कैमरे का आविष्कार नहीं हुआ था। उन कैदियों को ऐसे कमरे में रखा गया था जहाँ भोजन पानी के अलावा टॉयलेट की भी सुविधा थी। साथ ही उनके मनोरंजन के लिए कुछ किताबें भी रख दी गई थी, और वो 30 दिन तक जाग पाते हैं या नहीं इसलिए उन पर बराबर नज़र रखी जा रही थी। वैज्ञानिकों ने उन 5 कैदियों को जिस कमरे में रखा था उसमें ऑक्सीजन के अलावा चुपके से यह एक्सपेरिमेंट वाली दवा भी गैस के रूप में डाल दिया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि उस दवा से उन 5 कैदियों की नींद चली गई। पहले दिन वो कैदी आराम से रहे, दूसरे दिन कुछ खा पी कर किताबें पढ़कर गुजारा, और तीसरे दिन कुछ उबाऊ रहा, और चौथे दिन उनके पास करने के लिए कुछ भी नहीं रहा। फिर 5वें दिन उन्हें उस कमरे में घुटन होने लगी और नींद ना लेने की वजह से उनकी हालात खराब होने लगी। जैसे तैसे उन्होंने 8 दिन बिताया, लेकिन 9वें दिन उनमें से एक कैदी अपना संतुलन खोकर तेज तेज चिल्लाने लगा, वो भी उतना तेज कि उसकी आवाज़ हमेशा के लिए चली गई। वक्त के साथ ही कैदियों की हालात बद से बदतर होती चली जा रही थी। अपने हाथ पैर पटकने के साथ ही वो तेजी से चिल्लाने लगे। उनकी हालात असामान्य होती जा रही थी, और एक दिन उन 5 की आवाज़ धीमी हो गई और फिर वो आपस में कुछ बड़बड़ाने लगे। वैज्ञानिकों को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बड़बड़ा रहे थे, लेकिन उनकी हरकतों से वैज्ञानिकों की जिज्ञासा और बढ़ गई थी। इसके बाद उन्होंने दवा की मात्रा को बढ़ा दिया, क्योंकि वैज्ञानिक यह देखना चाहते थे कि दवा के ज़्यादा डोज से लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कमरे में दवा की बढ़ी हुई डोज के साथ कुछ दिन तो इन्हीं बड़बड़ाने वाली हरकतों के साथ गुजर गए, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिससे वैज्ञानिक भी देखकर हैरान हो गए। कमरे में वैज्ञानिकों ने देखा कि कोई भी कैदी किसी भी प्रकार की कोई हरकत नहीं कर रहा, बल्कि सब शांत होकर एक जगह बैठे हैं। और फिर उनमें से एक कैदी ने किताबों के पन्ने फाड़ कर उस मिरर पर चिपका दिया, जिसके द्वारा वैज्ञानिक उन पर नज़र रखे हुए थे। इस हरकत को देखकर वैज्ञानिक चिंतित हो गए कि कहीं कैदियों ने कमरे में आत्महत्या तो नहीं कर ली। फिर ऑक्सीजन की खपत को देखते हुए वैज्ञानिक निश्चिंत हो गए कि वो सभी जिंदा हैं। कुछ समय बाद जब कैदियों की किसी भी एक्टिविटी का पता नहीं चल पाया तो वैज्ञानिकों ने कैदियों के कमरे को खोलने की बात उनसे कही, लेकिन कैदियों का जवाब हैरान कर देने वाला था,
कैदियों ने कहा कि हम इसी कमरे में रहना चाहते हैं, हमें किसी भी प्रकार की कोई आज़ादी नहीं चाहिए। वो कैदी ना तो बाहर आना चाहते थे और ना ही किसी को अंदर आने देना चाहते थे। जानकर वैज्ञानिक हैरान हो गए कि आखिर कोई कैद को इतना पसंद कैसे कर सकता है। और फिर एक दिन वैज्ञानिकों के सब्र और जिज्ञासा का बांध टूट गया और उन्होंने कमरे को खोलकर देखा तो अंदर का नज़ारा देखकर उनके होश उड़ गए। वैज्ञानिकों ने देखा कि अंदर फर्श पर चारों तरफ खून ही खून फैला हुआ था। वो खून उन्हीं कैदियों का था जो खुशी खुशी उसी कमरे में रहना चाहते थे। बाद में बात समझ में आई कि वो लोग कई दिनों से अपने ही शरीर का मांस खा रहे थे, क्योंकि उन्हें दर्द का एहसास ही नहीं हो रहा था। इसी कारण वो अपने शरीर का मांस नोच नोच कर खाने लगे। इस तरह वो सभी गंभीर रूप से जख्मी हो गए। उनकी हालात को देखते हुए उन्हें अस्पताल ले जाया गया। वो लोग पूरे रास्ते यही चिल्लाते रहे कि उन्हें उस कमरे से बाहर नहीं जाना है। साइकोलॉजिकली यह पता चला कि उन्हें उस दवा का नशा हो गया था, जिसके कारण वो उस कमरे को छोड़ना नहीं चाहते थे। उन लोगों को अपने ही शरीर को नोच नोच कर खाने में मजा आने लगा था। और यह बात तब सामने आई जब उनको सबसे बेहतरीन नींद की 8 डोज देने के बाद भी नींद नहीं आई। उन लोगों ने ऑपरेशन के दौरान भी होश में रहने की इच्छा जताई। उन्होंने कहा कि वो अपना ऑपरेशन देखना चाहते हैं। ऑपरेशन के दौरान 3 कैदियों की मौत हो गई और सिर्फ 2 ही कैदी जिंदा बचे। वैज्ञानिकों को यह समझ आ गया था कि दवा अभी भी असर कर रही है, क्योंकि उनको दर्द का एहसास बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। और उस समय को देखते हुए सेना के कमांडर ने उन दोनों कैदियों पर एक्सपेरिमेंट जारी रखने का निर्देश दिया। इसी निर्दयता की वजह से उन कैदियों को वापस से उसी कमरे में कैद करने का फैसला लिया गया। लेकिन इस बार कैदियों के साथ 3 रिसर्चर भी कमरे में जाने वाले थे। कैदियों को जैसे ही पता चला कि वो फिर से उस कमरे में जाने वाले हैं, तो खुशी के मारे तेजी से हंसने लगे। कमरे में जाने के बाद एक वैज्ञानिक ने एक कैदी से पूछा कि तुम कौन हो, तुम्हारा पहचान क्या है। सवाल सुनकर कैदी काफी देर तक हंसने के बाद बोला, तुम्हारी परछाई हूँ, मैं तुम्हारे अंदर की बुराई हूँ, जिसे तुम देखना नहीं चाहते, जिसे तुम स्वीकार नहीं करना चाहते, क्योंकि तुम हमेशा ही खुद को अच्छा समझते हो। कैदी का जवाब सुनकर वैज्ञानिक बौखला गया और अपना आपा खो बैठा। उसने पिस्टल निकाली और सबसे पहले कमांडिंग ऑफिसर को गोली मारी। इसके बाद वैज्ञानिक ने एक एक करके अपने साथी वैज्ञानिक और दोनों कैदियों को भी मार डाला। यही नहीं, अंत में वैज्ञानिक ने खुद को भी गोली से मारकर खत्म कर दिया। उन सभी के मरने के बाद रूसी वैज्ञानिकों द्वारा किया गया ये दुनिया का सबसे खतरनाक एक्सपेरिमेंट वहीं खत्म हो गया। ऐसा माना गया कि चैम्बर में गैस की मौजूदगी के कारण वो वैज्ञानिक भी अपना आपा खो बैठा था, जिस कारण उसने सभी को गोली मार दिया। भयावह एक्सपेरिमेंट के पहले किसी ने भी ऐसे परिणाम की कल्पना नहीं की थी। और इसी के साथ यह तय किया गया कि भविष्य में कभी भी इस तरह का खतरनाक एक्सपेरिमेंट नहीं किया जाएगा और दोबारा इसके फार्मूले को कोई यूज ना कर सके, इसलिए उसकी सारी डिटेल खत्म कर दी गई। जब कभी भी इस बारे में रूस से बात किया जाता है तो रूस साफ साफ इस बात से नकार देता है कि उसके यहाँ कभी भी इस तरह का एक्सपेरिमेंट हुआ ही नहीं। इस एक्सपेरिमेंट को लेकर किसी के पास भी पुख्ता सबूत नहीं है, जिस वजह से कोई भी रूस को गलत साबित नहीं कर सकता। भर के कई लोगों का ये मानना है कि इस एक्सपेरिमेंट की कहानी किसी सस्पेंस नोवेल राइटर द्वारा लिखी गई स्टोरी है, जिसमें कोई सच्चाई नहीं है। लेकिन कई बार ऐसा हुआ है कि सच्ची घटना को कहानियों का नाम देकर छुपा दिया जाता है। फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर क्या विचार है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।